सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से स्पीकर कौमी असम्बली सरदार आई आसादी की मुलाकात। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार आई आसादी ने सदर मुमलिकत को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद की पेश की। मुलाकात में पार्लिमानी और कानून साजी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मजीद तफसील जाने के अपने नुमाइंदे वकास अहमद से। वकास, इस मुलाकात का अहवाल बताइएगा। बिल्कुल, देखें, सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी से आज स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादिक ने ऐवान सदर में मुलाकात की। मुलाकात में स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से सदर मुमलिकत को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी और इसके साथ साथ कानूनी और पार्लिमानी अमूर से मुतलिक जो तफसीली तबादला ख्याल भी किया गया। ज़रा की जानिब से ये भी बताया गया है कि चूंकि आज सेनेट के इंतखाबात के बाद कौमी असम्बली और सेनेट के जो दोनों ईवान हैं वो तकरीबन मुकम्मल हो जाएंगे और इससे बाद जो है वो सबसे अहम मरहला जो आता है वो सदारती मुश्तरका इजलास में सदर मुमलिकत के खिताब से मुतल्लिक है। तो इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है इज़राइल की जानिब से कि ईद के बाद जो है वो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया जाएगा जिसमें सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी जो है वो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से अपना खिताब करेंगे और आज के इस जो मीटिंग हुई है सदर मुमलिकत के साथ स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादिक की, तो आज बाज़ाब्ता तौर पर ये दावत भी दी गई है कि सदर मुमलिकत पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जो ईद के बाद बुलाया जाएगा उसमें आके बाज़ाब्ता तौर पर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करें। जी ठीक है वकास अहमद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।